और नहीं तो क्या, हम खाना बना तो लेंगे लेकिन उसे खाने का रिस्क कौन लेगा, इससे अच्छा हम खाना स्विगी से मंगा लें। स्विगी से? डब्बा हम कचरे में फेंक देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। पैसे हैं? ये खाना शोपीस के लिए रखा हुआ है, इसे खा भी सकते हैं। अब तुम लोगों को इतना लूटा है हमने तो थोड़ा खाना खाना तो बनता ही है। उससे पहले तुम लोग अपनी अपनी डिश चूज कर लो, मुझे कुछ भी दे दो, अच्छी डिश चूज करना। मैं बनाऊंगा सरसों का साग। ये जिमिन मक्की की रोटी बनाएगा, हमें डांस टीम। लेट्स नाचो, आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी। हमें वोकल टीम। ओए ओ ओ बकवास है ये। तुम लोगों का ड्रामा खत्म हो गया तो सामने पड़ी हुई सस्ती डिश टेस्ट करो और बनाओ। कितनी सस्ती? बहुत सस्ती, सोचा नहीं होगा इतनी। कहीं बासी खाना तो नहीं खिलाने वाले हो तुम लोग? पिछली बार भी तुम लोगों ने ऐसे किया था, मुझे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े थे। बासी तो नहीं है, बस फ्रिज में पड़ा हुआ 2 दिन पुराना है। मैंने कहा था ना इस खाने में से बदबू आ रही है। बदबू नहीं, खुशबू कहते इसे। खुशबू? कौन है ये खुशबू? मैं खाना खाने की गारंटी देता हूँ, बनाने की नहीं। जल्दी से ये खाना टेस्ट कर लो वरना हम ये कुत्ते को डाल देंगे। कुत्ते भी रिजेक्ट कर दे ऐसा खाना। ये लो चॉपस्टिक, जल्दी से खा लो ये फ्री का माल वरना ये छीन लेंगे। क्या है? कैसा लगा? कतई ही जहर, बहुत हार्ड बहुत हार्ड। कुकी किस ढाबे से लाए ये? पता नहीं, ऐसा खाना तो ढाबे पे भी नहीं मिलता, पक्का ये बाबा के ढाबे से लाए होंगे। तुम दोनों ढाबे पे जाते हो? जैसे तू नहीं जाता। मैं तो घर का ही खाना खाता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है ना। सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैं कहीं का सुपरस्टार हूँ? तुझे खाना है? खिला दे। अभी खिलाता हूँ, तू भी क्या याद रखेगा। चल मुँह खोल, तेरी नाक पे लग गया, सॉरी। तुम लोग खाना बना पाओगे? नहीं बना पाए तो आग लगा डालेंगे इनकी किचन को, फिर इन्हें पता चलेगा हमसे खाना बनवाने का नतीजा। मैं तो खाना स्विगी से ही मंगा लूंगा, इनको कौन सा पता चलने वाला है। मेरे लिए भी मंगवा दियो। तुम लोगों को पता है पिछली बार जज मेरा खाना खा के मरते मरते बचा था, मैं तो मर ही गया था। और इतना भी मत फेंको। भाई तुझे कुछ कहना है? मैं ये फ्री में नहीं करूँगा, इसके पैसे लूंगा। कितने? 200। इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। चलो दिया, तू भी क्या याद रखेगा। तो गेम शुरू करें? ये कुकी क्या कर रहा है? ये तीर किसे मारेगा? दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है और ये कुकी मारेगा अखियों से गोली। सामने पड़े हुए सामान से खाना बनाना है, इससे अच्छा हम इसे बेच के पैसे ना कमा ले। ये सब अपनी अपनी डिश बनाएंगे, तू क्या चोरी कर रहा है? चलो कुकिंग शुरू करो। वैसे हमें टाइम कितना मिला है? 1 घंटा? ये तो बहुत कम है। वी मुझे चाकू ला के दे। अभी लाता हूँ, पता नहीं किसका मर्डर करेगा ये। इतने सारे प्याज के आंसू बहाने के लिए रखे हैं? हमारे डायरेक्टर को हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। ये पेपर लेके घूमता ही रहेगा या फिर कुछ काम भी करेगा? कोई मुझे जगह दो, कितनी भीड़ मचा रखी है। सब्जी मंडी बना रखा है इसे, सांस नहीं आ रही मुझे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये रहा चाकू, ले अब कर ले मर्डर जिसका करना है। काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, आज मैं आग लगा डालूंगा, कहीं खुद ना जल जाए तू। मेरे सर पे क्या खड़ा है, कुछ काम भी कर ले। जब तेरी बीवी आएगी तो क्या कहेगी कि तुझे खाना बनाना नहीं आता है? मैं सीख रहा हूँ। ना कटाएगा तू सब कुछ, जल्दी सब कुछ सीख ले वरना जब तेरी बीवी आएगी और जब वो तेरे किचन में आग लगा देगी तो तू कंगाल हो जाएगा, तब तू कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, अब देखो उसके कपड़े भी धोने पड़ रहे हैं। क्या करूँ मेरी झंड जिंदगी का। तू अच्छे से काट सीधे सीधे, कर भी क्या सकता है, सबकी किस्मत मेरी तरह अच्छी थोड़ी होती है। की झंड होने वाली है। अरे ये मिस कॉल किस चिंदी चोर ने मारा है? तू अच्छे से काट, जल्दी काट। क्या धीरे धीरे काट रहा है? खुद तो कुछ करना नहीं और ऑर्डर ही देता रहा। ये सब काम तो मैं चुटकियों में कर लूं। चुपचाप अपने काम पे ध्यान दे, तुझे क्या पता ऑर्डर देना कितना मेहनत का काम है। भरोसा नहीं हो रहा तुझे? लगता है मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया, बेचारी पिंकी ने मिस कॉल किया था। ये बासमती चावल है? पता नहीं। इस गरम कढ़ाई में मैं डालूंगा सरसों का तेल। ओ ये तो मिट्टी का तेल है, आग लग जाती है अभी।
आज ही किचन ब्लास्ट होके रहेगा। दादी तूने मेरे को बताया क्यों नहीं ये मिट्टी का तेल है? आ ये पिंकी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं फिर से तो नहीं भाग गई? भाई ये देख कैसा है ये, तू कुछ भी कर बस मेरा दिमाग मत खा। भाई एक बार तो देख ले, तेरे दिमाग जितना छोटा है ये। इस पिंकी को तो मैं घर जाके बताता हूँ, साली फिर से लगता है विनोद के साथ भाग गई। भाई तू क्या कर रहा है? ओ लगता है मेरे आलू जल गए, तूने इसमें तेल नहीं डाला था क्या? चलो जल्दी से इसे फेंक देते हैं इससे पहले कोई देख ले। इतने मसाले कौन डालता है? तो तेरे बाप का क्या जा रहा है? ऐसे कौन बोलता है? टमाटर डाल इसमें और डाल, सारे डाल दे, फ्री का माल है। नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, इतने मसालों का नाम तो मैंने पहली बार सुना है। वैसे देसी मसालों की बात ही कुछ और है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, कहाँ है तू? जल्दी से ये काट। अदरक लहसुन कहाँ है? अदरक लहसुन मैं हरे प्याज काट लेता हूँ। मैंने तो लाल प्याज देखे थे, हरे प्याज पहली बार देख रहा हूँ। हरे प्याज देखेगा कहाँ से? पहले तू गाँव में जो रहता था और तू कितना गरीब भी तो था। शेफ भी तुम्हें सिखाएगा कि अंडे कैसे फोड़ते हैं। ये अंडे फूट चुके हैं, इसे कहते हैं अंडे फोड़ने की निंजा टेक्निक। ओ लगता है गलती हो गई, कोई बात नहीं। मैंने तुझे कहा था ये 10 सेंटीमीटर काटना। अब खाने में भी मैथ लगाना पड़ेगा। ये 10 सेंटीमीटर है, हाँ देखना जरा। 10 सेंटीमीटर है ये? ये 1 सेंटीमीटर है। ओ तू ठीक बोल रहा है। मैंने प्याज छील दिए, अब क्या करूं? दे, मैं दिखाता हूँ इसे कैसे काटते हैं, ध्यान से देखना। ये ले, अब तू काट। तूने मेरे खाने के साथ कुछ भी गड़बड़ी की या उसे जलाया तो तेरी खैर नहीं। तुझे ये इतना अच्छा लगा? तू सारा खा जाएगा क्या? कुछ तो चीज़ उसके लिए बचा के रख। गाइस हमारा खाना सबसे लाजवाब है, हम तो इसकी दुकान भी खोलेंगे। कुकी तुझे कोई मदद चाहिए क्या? हाँ मुझे बताइए सॉस कैसे बनानी है, तुझे बनानी नहीं आती? जिमिन जा तू उसकी मदद कर। ठीक है मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, तू जा उसकी मदद कर। एक मिनट रुक ना, ये चीनी नहीं है। ये नमक डाल दियो, ये सॉस भी डाल दियो, ये सारे मसाले भी इसमें डाल दियो, सारी सब्जियाँ साथ में डाल दियो, ये भी डाल दियो, ये मिर्चियाँ भी डाल दियो। इसका क्या करना है? सब कुछ डाल दियो इसमें तू। हमारा खाना तो सबसे हटके होगा। I'm amazing. मैंने इतना तीखा खाना बनाया है कि आज जजेस की फिर से वाट लगने वाली है, बेचारे की हालत खराब हो जाएगी। कहीं मर ना जाए वो। कहीं हॉस्पिटल ना जाना पड़े जज को, उसका बिल मैं नहीं भरूंगा। दिखा तो जरा आप। ये तो बहुत तीखा है, मेरे कानों से धुआं निकल गया। मेरे मुंह से तो आग निकल रही है, मेरा मुंह जल गया। बेचारे जज पर तरस आ रहा है मुझे। आखिरकार तू काम करना सीख ही गया, तेरी बीवी बहुत खुश होगी। जिन सोया सॉस किधर है? जिन तो ये रहा। मुझे जिन की जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत नहीं है? मुझे बहुत बुरा लगा। कच 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 कच। तुझे कहा था लंबे लंबे प्याज चाहिए, ये छोटे छोटे प्याज नहीं। क्या करूँ मैं इनका अब? तुझ में दिमाग नाम की चीज है भी या नहीं? ये देख, मुझे पता था, तभी तो मैंने ये प्याज बचा के रखा है। मुझे पता था कि मैं कुछ ना कुछ कांड जरूर करूंगा। अब मैं लंबे लंबे प्याज काटूंगा, सब मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मैं जीनियस हूँ। पता नहीं ये इतना काम कैसे कर लेते हैं, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। कौन सा लूं मैं? ये वाला लूं या ये वाला? खाना बनाना आए या ना आए, बनाना चाहिए वरना आप भूखे मर सकते हो। नामजून ये ले, ये ट्राई करके बता ये कच्चा है या नहीं। और मैं ट्राई ना करूं तो? ये कच्चा है। ये तो रबड़ जैसा है। मैंने ऐसा खाना बनाया कि लोग खाने के साथ प्लेट भी खा जाएंगे।
तू क्या कर रहा है? ये बेसन तो एक्सपायर है। तू अभी तक प्लेट ही ढूंढ रहा है, यहाँ पे इतने सारे प्लेट रखे हुए, कोई भी चूज कर ले। कोई भी चूज नहीं कर सकते, महंगा चूज करना है। सारे तो महंगे ही लग रहे हैं। नामजून मेरी मदद कर। लो मैं आ गया, क्या मदद करनी है? आई आई मम्मी, मेरा हाथ जल गया, मैं ये यूज करता हूँ। जल्दी कर कदे, मेरा हाथ जल रहा है, चॉपस्टिक से काम करता है। रुक एक मिनट, मुझे रखने दे। तेरी वजह से मेरा हाथ जल गया। इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? दिमाग है मेरे पास, मेरे पास भी है दिमाग। तो थोड़े मैसेज चेक कर लेता हूँ मैं। तू फिर से फोन में लग गया। किसके मैसेज चेक कर रहा है तू? शुगर ये देख। ना, इसे कहते हैं नमक पसीने का खाना। मेरी डिश सबसे लाजवाब है। हमारी कौन सी सबसे खराब है? हाँ, मुझे भी थोड़ा सा खिला। कैसा है ये? अच्छा ये।